बट मामू वैसे मुझे आपकी स्वीट बहुत अच्छी लगी है बेटा अंदरून शहर लाहौर तो बहुत ही खूबसूरत है hmm. बहुत बड़ तारीखी हैं यहाँ सी वेरी इंटरेस्टिंग बाबर भाई ये बट साहब के साथ दोनों कौन बैठे हुए हैं? ये बट के भांजी और भांजे बाहर से हैं साउथ अफ्रीका ऐसी hmm. hmm. मुझसे डायरेक्ट पूछ लो मेरे साथ आपकी मंगनी हुई है <laughs> नहीं, मुझे तो हैरत हुई है कि बच्चे भांजे आपके बाहर हैं और आप या रोटी को तरस रहे हैं।

ऐसा कम वक्त जमाना आ चुका है क्या बताएं फरीद मिया आपको जी जी अगर किसी से बात करें तो आगे से काटने को दौड़ता है ऐसा हाँ। टांगे छोटी-छोटी दौड़ता जरूर है क्योंकि ये तुम्हारे अंदर का गुबार बार आ रहा है तुम्हें असल में तकलीफ इस चीज की है कि पूरा मोहल्ला मुझे झुक के सलाम करता है अरे वो तुम्हारे कद की वजह से झुकना पड़ता है अगर खड़े खड़े सलाम तुमसे लें ले तो तुम सारा दिन पीटी के स्टेप भी करते रहो हम वक्त झुकझ के सलाम करता है मेरा किसी दिन कोयले के साथ इसके घर की दीवार के बाहर लिखवा दू मोहल्ले का नासूर। ऐसे माफ कीजिएगा इसमें ना मैंने फालतू ही कहा है बाकी फिक्रा मुकम्मल है हाँ मैं समझ गया पहले भी मेरी दीवार पर तुमने ही लिखा था बिल्कुल बिल्कुल वो जो चुगत लैदा और ताई लैदा लिखा दिया था। भाई तशरी करने की जरूरत नहीं है अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है ओ मोहल्ले में इशारेबाजी शुरू हो गई घूंघट निकालिए। बट बटविया जी खुदा लगती कहिएगा जी जी क्या सारी रात मोहल्लेदार डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं जी जी बहुत होते हैं जी सुन रहे हैं सुन रहे क्या बताएं आपको ये जो बैठा हाँ। हुआ शख्स ताई वाई लगा के मुझे तो लगता है कि सारी रात इसमें कोई किसी परिंदे के पट्टे की रूह आ जाती है देवी साहब पट्टा तो सिर्फ उल्लू का ही मशहूर है <laughs> बाबर के लिए करने की जरूरत नहीं है इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है वो निकालिए मुझे तो लगता है कि ये हमसे चुप चुप के गर्दन भी पूरी घुमाता है सारी रात शोर अच्छा सारी रात शराबा सारी रात ऊंची ऊंची आवाजें हज हो गई है भाई खुदा के वास्ते इंसान बसते हैं इस गली में लतीफी स्ट्रीट एक नाम है पूरे इलाके में या। आप उसकी किसी इज्जत का बकार का ही ख्याल कर लीजिए सारी रात क्या जरूरत है इतना ऊंचा शोर शराबा करने की मेरा घर है मैं चाहे छाज़ बजाऊ या छलनी तुम कौन होते हो अरे तुम लोग हो ही छलनी बजाने वाले या? इस मोहल्ले में तो आप कोई इंसान ख्वाब भी नहीं देख सकता आए, 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 आए। भाई सोएगा तो ख्वाब आएंगे ना। जी तो हम भी होते हैं अब दीवारों के साथ दीवारे जो सांझी हैं, तो इनके घर शोर होता है तो हमारी भी नींद खुल जाती है सच के जाऊं भाभी कैसी अच्छी गवाही दी फ्रेफता हो गया मैं आपकी गवाही पे खुद को संभालिए शोर तो ये वाकई बहुत करते हैं फरीद मिया मुझे रात की खामोशी में अहमद फराज पढ़ने की आदत है वाह तो हमें भी सुनाइए ना कोई अहमद फराज साहब का एक शेर ये मुझे याद करने दें तो मैं सुनाऊ चोरी इतना करते हैं ये और जान दे मसूर मलंगी का एक फुल मोती अदा मार के जगा सोनी है तुम समझ नहीं आता अहमद फराज पढ़ना है ये जो बाबड़ी है ना ये चूंकि सबसे ज्यादा सौदा चुगताइस की दुकान से खरीदता है इसलिए ये हमेशा हमारे खिलाफ बात करता है बाकी ये बहुत शोर करते हैं ये लोग सारी रात अच्छा बिल्कुल इतना शोर कभी इसको रात के वक्त चाय याद आ जाती है कभी गाड़ी स्टार्ट करके अपनी बैटरी चेक करना शुरू कर देता है आगा। आगा। और देखिए जुल्म क्या है फरीद मिया के रात को खामोशी होती है ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा होता है भाई पलक पाना दे दियो अभी कह रहा होता है चाय वाली पत्ती का डब्बा किधर पड़ा हुआ है अभी कह रहा होता है फ्रिज में से दूध निकाल के ले आओ आए, आए। भाई रोजाना अगर यही बातें करनी हैं, तो सारी चीजें उसी जगह पे रख क्यों नहीं लेते लतीफी साहब मुझे रात को चाय पीने की आदत है तो फिर हमें भी रात को तलवार चलाने की आदत है हम इससे बात करो बता दीजिए अरे 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 एक मिनट एक मिनट लतीफी साहब चुखताई साहब चुप्ता के साथ बैठिए तशरीफ रखिए देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं भाई आप क्यों तलवार चलाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे बात की हमारे हाथ में कौन सी तलवार थी निकालिए घूंगी निकालिए लिए निकालिए लतीफी चाचा आपने तीन दफा मुसलसल कहा घूंगड़ निकालिए कहीं घूंग को तलाक तो नहीं हो गई गयी लो देखिए लो देखिए वही बात निकली हमेशा चुगचाई का साथ देते हैं वाह मेरी चाय इन लोगों को चुपती है अरे तुम जो सुबह सवेरे कुक्ट के साथ उठ के बैठ जाते हो मेरा उस वक्त सोने का टाइम होता है और ऊंची ऊंची तुम गली में बोल रहे होते हो ये देखिए फरीद मियां आपकी भाभी को कह रहा है आगे। आगे। ऐसे साहब आपके ऊंचा ऊंचा बोलने से आंख तो मेरी भी खुल जाती है सुबह सुबह अब कह रहे होते आग हैं कि दही लाना है कि नहीं लाना कुछ और तो नहीं मंगाना डबल रोटी कौन सी लानी है भाई आप अंदर भी जाके बात कर सकते हैं अगर आपने बीवी के कहने से चलना है तो ब, 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 अंदर जा के बात कर सुबह तो सुबह ऐसी आवाज ही मोहल्ले में आती है मगर आधी रात को कभी किसी की गाड़ी स्टार्ट होते और मरम्मत होते देखी है हमारी भी गाड़ी बाहर खड़ी होती है आज तक हमने आके कभी अपनी गाड़ी की घंटी बजाई हो या इसकी सीट को ऊंचा नीचा किया हो या कभी इसके स्टैंड को उतारा हो वही की वही खड़ी होती है सुबह आती है के वजल से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है वाँ वाँ वाँ। इसका क्या स्टार्ट करना होता है आज ही करना होता है ऊपर बैठ के घंटी बजा के तो पैडल अपनी जगह भी लानी होती है एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं आप लोगों का ना मसला समझ गया जो गुफ्तगु आप लोगों के दरमियान हुई है कुछ लोग फितरत के एन मुताबिक सरे शाम सोने की रूटीन उनकी होती है वो सो जाते हैं जल्दी सो जाते हैं ये, ना ये ना और कुछ लोग खिलाफ फितरत सारी रात जागने और शोर शराबा करने के आदि होते हैं

वो हमला करने आ रहे हैं अरे कोई हमला नहीं कर रहे आप तो एकदम से डर के साइकिल पर बैठ गए फुदक कर बैठिए अपनी तशरीफ रखिए आपकी जिम्मेदारी पे उतर रहे हूं। कुछ नहीं होगा तशरीफ रखिए कोई बात नहीं गाड़ी खड़ी करें अपने आप बैठे भाभी आप पाँच हजार रुपए की गाड़ी साहब आप भी तहश में आ जाते हैं तहश कह रहे अरे आराम से बात और कुछ नहीं होता आपको थोड़ी क्या है हमने तो शोर वालों को कहा है टीवी <laughs> साहब तो बैठे हैं साइकिल पे मजा ये है कि भाभी भी छलांग लगा के फौरन बैठी है <laughs> मेरे घर से शोर शराबे की आवाज आती है जो इनके घरों से रात को आवाज आती है क्या बताऊं कि खराटे मुझे आराम ही नहीं करने देते कौन लेता है खराटे ये बट इतने खौफनाक खराटे लेता है लगता है मोहल्ले में कारखाना लग गया है